वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोग की बाइक के इंजन से भी खराब से साउंड आती है, बहुत ही गंदी साउंड लगता है, कुछ टकरा रहा है अंदर या फिर लगता है कुछ अंदर घिस रहा है, लुब्रिकेट नहीं है, तो मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन बताऊंगा इसका कि आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो और आप लोगों को क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ ऊपर वीडियो बनाना, तो वीडियो में आगे बढ़ना, वीडियो को लाइक किसी लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना। चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बाइक इंजन साउंड जो होती है उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, कोई एक ही रीज़न नहीं होता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि यार हमारी बाइक में क्या दिक्कत हो गई, क्योंकि यार आप जानते हो कि जब कोई बाइक में प्रॉब्लम आती है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो बाइक इंजन जो है होता है उसमें होता क्या है, सबसे पहले रीज़न जो होता है, सबसे मेन रीज़न कि आप लोग की बाइक इंजन से साउंड क्यों आती है, वो आती है इंजन ऑयल। अब होता क्या है कि इंजन ऑयल बहुत दिनों से अगर ना चेंज करो, चल गया हो, लुब्रिकेट अच्छे से ना हो, ऑयल जो है अच्छा सा, मतलब उसका जब लुब्रिकेंसी खत्म हो जाती है तो जो है पार्ट्स जो होते हैं अपने में टकराने लगते हैं, घिसने लगते हैं, जिसकी वजह से पहला रीज़न है कि इंजन ऑयल जो होता है कम हो जाता है और आप लोग की बाइक के आवाज़ टकराने, बाइक के इंजन से टकराने की आवाज़ आती है। सबसे पहले इंजन ऑयल चेक कराते रहना, इंजन ऑयल का लेवल हमेशा चेक करना और उसको टाइम टू टाइम चेंज करा देना। ये था हमारा पहला रीज़न। सेकंड रीज़न क्या होता है, वो होता है नॉकिंग साउंड। जैसे कि आप लोग बाइक आप लोगों ने बहुत ही ख़राब तरीके से चलाई स्टार्टिंग में, मतलब एकदम एक्सीलेटर कभी कभी खींच देना, कभी कभी आरपीएम बढ़ा देना और स्किड मार देना टायर को, तो इससे होता क्या है कि जो इंजन के अंदर के पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं, जिससे कि इसकी फ्रिक्शन जो होती है बहुत कम हो जाती है और जिसकी वजह से आप जो जब पार्ट्स चलते हैं तो वो घिसने की आवाज़ देते हैं। तो यार उसके लिए तो कोई सोल्यूशन है नहीं। अगर आप लोग अच्छे से बाइक चलाते हो तो आप लोग के पार्ट्स नहीं घिसेंगे, घिस चुके हैं तो आप उसको जाके सर्विस सेंटर में चेंज कर सकते हो। लेकिन बस एक रीज़न है कि एक मतलब एक सोल्यूशन नहीं हो पाएगा इसका, कि आप लोग का जो है इंजन ज़रूर खुलवाना ही पड़ेगा आप लोग को, उसके अलावा इसका सोल्यूशन नहीं है। सुबह जब लास्ट जो चीज़ आती है वो भी बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा बाइक में होती है 10,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर चल जाने के बाद वो आती है। यहाँ पे हमें बाइक पे जो होती है एक चेन होती है, स्प्रॉकेट चेन होती है, जो कि कभी कभी होता क्या है बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो चेन है वो घूमती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो चेन जो है टाइम टू टाइम चेंज कराता ना, वो यहीं पर होती है सामने ही, इंजन पूरा खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेन इतनी महंगी भी नहीं होती है, वो चेन आप लोग हमेशा चेक करवाते रहो कि बड़ी तो नहीं हो गई है, अगर बड़ी हो गई है तो उसको कटवा लो या फिर उसको नई लगवा लो। ये तीन रीज़न से जिस वजह से आपका जो बाइक का इंजन है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और आप डर जाते हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों की बाइक जल्दी रिपेयर हो जाएगी। तो आई होप आप लोग वीडियो चलाओ, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।